देरी से और ये वचन भी देरी से कि बाड़ा सुर जब भी मेरी आवश्यकता पड़े तो मुझे याद करना, मैं तुम्हारा सहयोग करने तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। जब द्वारकाधीश आक्रमण करीस ना तो बाणासुर भगवान शिव ने याद करीस, कर दो दीनों के दुख दूर हो बागंबर वाले, कर दो दीनों के दुख दूर हो बागंबर वाले, कर दो दीनों के दुख दूर एक भार सोना में आज के 20 तोला सोना होता, तो आठ भार में कितना तोला हुई जल्दी बताओ, 160 तोला सोना रोज मिले, और आज 50,000 रुपया तोला है, 160 ला 50 से गुना कर दो, 16×5 = 80 लाख रुपया। मैं गणित ठीक है क्या? हाँ भाई मैं आप सही 80 लाख रुपया रोज फोकट के जला मिली वो नहीं दो रही धन भाई हाँ बोलिए फोकट के 80 लाख मिली तेरे बता कहाँ करो पैसा कहीं, और इसने सत्रजीत की स्थिति हो गई। भगवान द्वारका से एक दिन कहते हैं पैसा ते करबे का और सच बात है पैसा कमाना सहज है, पैसा ना सुरक्षा काम नहीं हो
कम मेहनत करके मैं सामंतक मणि प्राप्त करूं, पैसा में राजकोष में डालना कभी नहीं हो सकेगी। एक दिन होकर छोटे भाई बहन के चल दी शिकार करे बार अपने शिकार हो गए भगवा के। प्रसेंजी जी ने भगवा शिकार करी, सो भगवा शिकार करके सामंतक मणि भगवा ले गए। भलवा देख परिपरि भगवा मार के भलवा ले गए सामंतक मणि। अब तो नगर में हल्ला मच गए। द्वारकाधीश के द्वारा कुछ दिन पहले प्रस्ताव रखा गया था हो ना हो सामंतक मणि में जो मणि का जो चोरी हुआ है वो चोर कोई दूसरा नहीं द्वारकाधीश ही हो सकता है। तो देखो पूरा द्वारका नगरी में हल्ला मच गया। अब आदमी को रूप बदला देरी थोड़ेगा, देखकर रूप बदला देरी नहीं है, कब कब कति हवा लहूड़ी है देखकर कोई गारंटी नहीं है, है कि नहीं? का गारंटी है? ओ सब कहे लगे हो भी सकता है, बचपन से चोर ही तो है, सब कहे लगे। द्वारकाधीश ने जब पता चली से नहीं तो द्वारकाधीश हा यदुवंशी मल लेके पता लगाया वर्गीश आखिर मोर ऊपर जो आरोप लगे हैं वो तो निराधार है। कई जन कहते कलंक लग के, कहते कलंक नहीं कहा वाला कलंक काला कहते मैं गलत करे और मोर ऊपर कोई आरोप लगे तो गलती सिद्ध हो गए वो कलंक लगना है। आरोप तो कोनो भी काम पर लगा देते लेकिन आरोप और कलंक लगना में अंतर है। भगवान के ऊपर आरोप लगे, भगवान आरोप का साफ करे पर यदुवंशी मल लेके गिस प्रसेंजीत के मरे हुए शरीर मिली, भगवत मरे हुए शरीर मिली, वो पांव चिन्ह देखते देखते भालू के गुफा में घुस रहे हैं भालू हलवा। यदुवंशी मल की तुम्हारे भैया 12 दिन तक मोर इंतजार करो, 12 दिन तक मैं नहीं निकलो गुफा ले तो तुम्हारे वापस चल दो। और अंदर घुस के भगवान द्वारकाधीश बोला खेला रहा जामंती है, जामन की बेटी है, सुंदर दिखत रहा है, गला पर रहा है, खेलत रहा है। और खेलत द्वारकाधीश आवत दिखे तो जामंती भित्री तनी चल दी। जामन जी बाहर निकली, भगवान द्वारकाधीश निवेदन करे कि मैं सामंतक मणि ले जाने आया हूं। तो जामन जी कहें कि मैं तो शेर को मार के सामंतक मणि लाया हूं, तुम्हें सामंतक मणि चाहिए तो युद्ध करो। युद्ध आरंभ हो गया, युद्ध आरंभ हो गया लगातार, एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन पांच दिन। जामन भी छोटे मोटे पहलवानी रही से लगातार युद्ध हुई 27 दिन तक। 28वां दिन कूद के लात मारत रही से जामन भगवान की छाती लाऊ छाती का देख पाई से रिगु जी के चरण चिन्ह देख पाई से तब तो कर कोई कर रुक के लात है और पसीना पसीना हो गए। जामन था प्रभु मैं जीव हूं आप ईश्वर हो, मैं आपको भूल सकता हूं, आप मुझे कैसे भूल गए। भक्त और भगवान के भी चित्त हो गया, मैंने कई बार आपको मारा, कई बार आपके ऊपर प्रहार किया, ऐसी लीला मेरे साथ क्यों किए प्रभु। खूब रोने लगी जामन जी है। तो भगवान कहते जामन याद करो त्रेता युग में जब मैं राम बन के आया था रावण के साथ मेरा युद्ध हुआ तो आप कहते फिरते थे मुझे मेरे लायक लड़ने वाला कोई मिला ही नहीं, मेरे बराबर का कोई योद्धा मिला ही नहीं रावण के सेना में। जब मैं रावण को मारा तब आपके मन में एक विचार आया था कभी मौका मिलता तो आजमा के देखता भगवान के भुजाओं में कितनी ताकत है। उस समय तुम्हारे जो मन में इच्छा था उनको पूरा करने के लिए अभी तक के तुम्हें जीवित रखा होगा। अब पता चल गया ना कि मुझे मेरे भुजाओं में कितनी ताकत है। नेत्र आंसू से भरे हुए जामन जी के जामन जी कहीं प्रभु क्षमा करना मुझे, अब जब आप आ ही गए हैं तो अब शरीर इसलिए रखो क्यों रखो, मुझे अपने में समाहित कर लीजिए, मुझे अपने चरणों में स्थान प्रदान करिए। निवेदन प्रार्थना करते करते आपको सामंतक मणि चाहिए ना, तो मैं सामंतक मणि अपनी बेटी जामंती को दे दी हूँ और बेटी को दिया हुआ धन कभी वापस नहीं लिया जाता। सामंतक मणि आपको चाहिए प्रभु तो मेरी बेटी जामंती को भी स्वीकार करना होगा। बोलो भागवत भगवान की। अच्छा एक बात बताओ वो जामंती कैसे रीस हुई? साधारण हमारे बेटी वाला तो इसने रीस हुई कि भलवा जी से रीस हुई? तुम आप सोचो, जल्दी सोचो, सोच रहे हो? ले भाई ये मत सोचो ज्यादा, खाए हो जाते पच्चे। मैं बता तो जामंती कैसे रीस है? जामंती है जामन जी से रीस है। आमिर थोड़े रही जामन की बेटी है, बात है
जा मंदिर धर के निकलने की भगवान द्वार के सूचना पता नहीं से पहले की वो सब तो लीला धारित ही है। देखकर सिद्धि अपन द्वार अपन अपन यदुवंशी मतलब कही देरी सी कि तुम्हारे 12 दिन के बाद वापस चल दो। भगवान है जा मंदिर परम गति प्रदान करके जा मंदिर धर के बाहर निकली अपन पितामणि लोढ़ा दी सोना और जा मंदिर कथे अक्का दिन ले चारों ठन में रेंगत रहे वो अब दो ठन में रहेंगे लाखी भाई तोला अब दुठन में रहेंगे लाही चल मोर हाथ में धर की ओका राखी बाल में तो मारा मुंह भर दिखत रहा लाल लाल चल मोर हाथ में धर की हाथ में धर की रहेंगे आप लाली आधा रात को अंधियारी रात में अब जा मंदिर कैसे देख जा मंदिर कोनो मत देखे वो नी दुनिया के बारे ऊपर हंसी देखा था ये लीला धारी लीला ला है जा मंदिर धर के आगे तो कोनो देखे मत इसे कि पितामणि लोढ़ा दी सोना घर के लानी सोना और समझा दे देख मेन गेट आवे ना ते कर इससे कृपा है भगवान की कि द्वार पर हम सुते रहे कब जाओ कब कब और मेन गेट के आगुच में ठन खोली हो जोनी हाथ में दरवाजा खुला रही भाई फट लेते हैं वो खोली में फुसा जाए और कपाट ले भीतरी कर ले बंद करके सकरी दे दे और खोलबे कब जब मोरा बात सुनबे पूरा पूरा नाटक तैयार हो गया जा मंदिर घुस के कमरा में अब ओकर बर चाह धर के आए चाह चाह के रखे ओकर बर पोहा धर के आए कभू हलवा बने कभू जो बने रहा है घर में धर के आए ओकर बर खाना के समय खाना धर के आए जूठा धरी लपने लगे भगवान की तो भक्त मन के प्रति प्रेम है रेगा बता अपन पत्नी की जूठा जूठा थाली अब बोलने के लिए पता दूसरा लेके बनेगा तुम मन में एकदम गुरी गुरी बोला देखो तो दूसरा लेके नहीं कहा काकर करो हा जन्म ही थोड़े सही हो तुम वो दे एक के काल ने दूसरा काम हो दूसरे से चीज में भारी फैल से है कि नहीं तो बेचारा अपने सेवा करे हो रात को कर भोजन लाने धर फेर लेके थाली धर के एक दिन अर्जुन के साथ में वो खोली में उतरे है ना वो सामंतक मणि धर के गीस काकर करा सत्रजीत करा और सत्रजीत ने कथे लेते सामंतक मणि तेरा करा अब सामंतक मणि सिर झुक के सामंतक मणि कारण चोरी के आरोप लगा रही से सत्रजीत तो सत्रजीत के सिर झुक के सत्रजीत मन में सोची मोर नाक गिर गए भगवान के ऊपर में आरोप लगाए फोकट के अब द्वारका नगरी वाला मन मोर ऊपर थू थू कर ही है मोला नाक कटाए सा लागत है नाक साबुत हो ही कब कैसे साबुत किया जाए नाक ला तो कर बेटी रही सत्य भामा सत्रह जी सोचते भगवान को आकर सकला पंडामान बना ले तो ओकर ससुर बन जो था मोर नाक है साबुत हो जी ये ले देखे मोर सीध हो ऊंचा हो जी इसी की अपन बेटी सत्य भामा भगवान के चरण में समर्पित कर दी और सामंतक बड़ी है रूप में देवत्री से भगवान कहते सत्य भामा लेगा तुम्हें हाँ तोर सामान तक बड़ी तोरे बोले तोर सामान तक बड़ी जोरत नहीं की तो वापस कर दिया सत्रजीत की बेटी सत्य भामा लेके भगवान ही वापस एक दिन अर्जुन के साथ से भ्रमण करे बार निकली तो कालिंदी मैया यमुना में तपस्या कर दिस कन्हैया पर पानी घुस के कन्हैया पता चली कालिंदी मैया रथ में बिठा के आगे निकली मैया मित्र वृंदा के स्वयंवर नहीं से सब राजा मन जे परास्त कर दी वही मित्र वृंदा के साथ विवाह करी अर्जुन के साथ भगवान की और सब राजा मन परास्त करके मित्र वृंदा रथ में बिठा दी गिनती करत फटाफट सत्या नाम के अयोध्या नगरी में एक कन्या रही से पिताजी है स्वयंवर रखे से सात बैल जे एक बार में नाथ दी ओकर बेटी के विवाह ऑपरेशन में हो ही कन्हैया चल दी सुई से बृहत्चंद नाम के राजा अयोध्या जी हैं द्वारका थी अयोध्या जी का मान अयोध्या जी के साथ द्वारका नगरी के मने भगवान द्वारका के भी सम्मान हुआ का मान बाबू ही होगा अयोध्या नगरी के तो साथ पहला ला स्वयंवर में नाथनरी से बृहत्चंद कहते देख कन्हैया जब का जब रात को बार उदय जी पर्दक भित्री में कोनो वापस नहीं आए कोनो जिंदा नहीं आए ते सोच ले भैया बने अब कन्हैया गाय चराई थे महिला मतलब नाथ भी इसे जरूरी नहीं है जी ते गाय चराई है हरा तो महिला नाथ गाय चरे चराना चराए में महिला नाथ में जमीन आसमान के अंतर है भगवान द्वारका जिसके से चिंता मत कर बुद्धि और सात फटरू बना के साथ बैठना
एक नाथ में नाथ दीसी और सत्याल विवाह करके मैंने सत्याल रथ में बिठा ली। रथ में के जन बैठे हैं, रथ में के जन बैठे हैं, तीन जन बैठे रथ में, काली नदी है, मृत्युवृंदा है, सत्य और सत्य भामा भित्री चलते हैं द्वारका नगरी में। और जावंती कहाँ फुस रहे हैं, कोई नहीं जाने फुस रहे थे, कौन जानते जल्दी बताओ, कौन कौन जानते भगवान द्वारका थे जानते, और मैं जाना थे तुम अल्लाह बता तो तुम जाना थे तुम नहीं जानते अब की जन जाना था बस सत्य भित्री फुस रहे थे और तीसरा और कोई कोनो मन है नहीं जाने हमारे जान आप मन जानते हो मैं जानते हो संगीत वाला मतलब मेले आए तो तभी मन जान जा इतियो मन नहीं जानती नहीं हाँ जानती से। तो भद्रा मैया भगवान के मामा के बेटी है, मामा जी पता चलिस तो भद्रा मैया ले गई सो भगवान के चरण समर्पित कर दी। लक्ष्मण नारद जी के मुखार बिंद से भगवान के महिमा मंडन सुने नारद जी के मुख से लक्ष्मणा भगवान अपन पति मान चुके से पिता जी पता चली तो अपन बेटी लक्ष्मण ला के भगवान के चरणों समर्पित कर दी। अब छह धनसन में भगवान विवाह रचे बोलो वृंदावन धनी लाल की रुक्मणी में यह करके हो गए सात धन। अभी फिर कहा है फिर भुलावा फिर बोली दूसरे एवं सात जने के बैठे रहा एकदम और मीटिंग चलत रही कर मन काखे रही का वही छनो हरा करे ये सातों छन चल से कर उसकी मेरी का नहीं आप पहुंच गए बाका दी सर का चल 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 थे वो मोरे चारी करा तो का रुक्मणी रुक्मणी में ये कहते हां हम तोरे चारी में लगे हैं। अरे का बात होगे बताओ ना का बात होगे तो रुक्मणी कहते हम सातों छन हां फैसला करके बैठे हैं का फैसला हो अन पानी नहीं खान के नहीं खान पिया के अरे काबर नहीं खा पियो तेरा बता तो वही छे कहीं लोहा करेगा हमारे तो नहीं नानी है हमारे तो पत्नी नहीं होन ओकर पर चाह धर के लेकर था जूठा प्लेट में धर के लाना था ओकर पर नाश्ता लेकर था जूठा प्लेट में धर के लाना था ओकर पर खाने लेकर था घर अब तक लोहा रहा करें वही छे आज हमारे साथ में हम फैसला करके बैठे हैं बोला देखो तब फिर अंत खाली ला द्वारका दिल करते बड़ सुंदर है वो अब्बर सुंदर तुम देखो तुम्हारे जी जान हाँ पटपटा जाओ तुम्हारे थोड़ा देखते अब भगवान अब झूठ बोला थी थोड़े समझ नहीं हो देखी नहीं अब तो एकदम सब के मुंह मुंह घुमला के मुंह काक थोड़ा कहीं ला गए हमारी का स्थान ज्यादा समझ ही पटेल में लागे बहुत सब अब सात जन रानी मन कहा थे हे भगवान कत्तो सुंदर हो तुम्हारा मोर ने थोड़ा कम सुंदर हो जाए रुक्मणी कहा था रुक्मणी संकल्प है कत्तो सुंदर हो ही पर वो कैसे हो जाए मोर जैसे और मोर ने कम सुंदर रहे हो मोर ने कम हो जाए कत्तो सुंदर ही मोर अब सब जन के आशीर्वाद लग गया वो सच में दिव्य सुंदरी बन गए भीतरी में। अब भगवान समझ गए सबके आशीर्वाद मिल गया दरवाजा खटखटाई और दरवाजा खटखटाई तहने निकली भैया कौन है जामंती है सबको झरानी मन होकर घूंघट लटा के देखी तो सच में अब बड़ सुंदर दिव्य सुंदरी सब जन बखान करी द्वारकाधीश आप सच कहते थे हम सातों रानियों में सबसे ज्यादा सुंदर तो जामंती है बोलो जामंती मैया की और मस्त जामंती के भगवान द्वारकाधीश के साथ में विवाह करा रही है एक भवन प्रकार के दैत्य ऋषि से उनका कहते हैं कि 16000 राजकुमारी मन राजकुमारी मन का सेकंड के रखी तो हम जब एक सुबह सोलह हजार एक सौ आठ महीना निकल सको झनसन में बिहाव करो और बिहाव करके भगवान द्वार कथित देखा था एक सौ आठ झनसन में बिहाव करे तक भगवान का नहीं हुआ वहां सुबह ले ले ऐसे कई हम बुद्धि का आदमी पा देते हैं।